उत्तराखंड के रामनगर में प्रथम G20 सम्मेलन के अवसर पर मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया गया। धामी के डिग्री कॉलेज रामनगर पहुंचने पर लोक सांस्कृतिक छोलिया दलों के साथ ही स्थानीय महिलाओं द्वारा कुमाऊनी परिधान में एकत्रित होकर फूलों की वर्षा कर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने रामनगर में G20 की तैयारियों को लेकर राजकीय महाविद्यालय के बाहर दीवारों पर कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग का निरीक्षण करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान सीएम ने कहा कि G20 की अध्यक्षता करने की मेजबानी इस बार भारत को मिली है, जिस क्रम में 3 बैठक उत्तराखंड में होनी है। उन्होंने बताया कि इस बैठक के माध्यम से बाहर से आने वाले मेहमान जहां एक और उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होंगे, तो वहीं उत्तराखंड से एक अच्छा संदेश लेकर अपने देशों को रवाना होंगे। सौभाग्य और गौरव की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और उसके अनेकों कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, उसमें से 3 बड़ी बैठकें उत्तराखंड के अंदर हो रही है और पहली बैठक रामनगर में हो रही है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग चर्चा करेंगे और राउंड द टेबल जो PSC लेवल की बैठक है वो यहाँ पर हो रही है। इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को पूरी दुनिया के अंदर लोग जानेंगे और हमारी संस्कृति भी दुनिया के अंदर जाएगी। हमारे यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा किए हुए काम हैं, यहाँ का हमारा कॉर्बेट का जो एक अपना चित्रण है वह भी सबके सामने आएगा। सर, जो रूट पर पढ़ने वाले की विद्यालय की दशा पूरी चेंज हुई है, हाईटेक विद्यालय बना है वो पूरा, तो क्या उत्तराखंड में और भी विद्यालय की ऐसी हम आशा कर सकते हैं आगे? हाँ, निश्चित रूप से अच्छे की आशा हमेशा होनी चाहिए।